नमस्ते रोहन, इतने दिन कते चलो वहाँ। नमस्ते अंकल, हम कने स्कूल के प्रोजेक्ट में व्यस्त छलौं, कृपया अकरा राख लियो। ओह, अहाँ के पिताजी के बहुत मेहरबानी, हम पाई के बिना हेल्पलेस रही। हमरा जल्दी ये बिजली के बिल भरवाक छला। अहाँ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज और डिजिटल पेमेंट के मदद से आसानी से बिल के भुगतान कर सके छी। ई इस्तेमाल करो में बहुत ही सुरक्षित और आसान छे। हम एकरा बारे में बहुते सुनलिया, कृपया एकरा विस्तार में समझाओ। सुनो में तो ई बहुत नीक लाग रहल है। जरूर रोहन, डिजिटल पेमेंट और ई पेमेंट डिजिटल उपकरण सब जेना मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स के माध्यम से एक भुगतान खाता से दोसर में पैसा ट्रांसफर करो के माध्यम छे। ऐ माध्यम के कैश पेमेंट के मुताबिक बढ़िया पेमेंट के तरीका मानल गेल छे, क्याकि ई बहुत सुविधाजनक तरीका छे, क्याकि ऐ में लोग सबके बहुत कम पैसा के जरूरत पड़े छे। आर त आर केवल मोबाइल फोन, आधार नंबर या कुनू कार्ड के जरूरत होय छे। हम UPI एप्स, USSD या ई वॉलेट्स जेना हमेशा चालू रह बला भुगतान के माध्यम के जरिया कतौ कखनो भुगतान आसानी से कर सकै छी। सरकार द्वारा डिजिटल पेमेंट के प्रोत्साहित करब के लेल भुगतान पर भारी मात्रा में छूट देल जा रहल छे। उदाहरण के लेल 2,000 रुपया तक के सेवा कर भुगतान डिजिटल मोड से कर पर पूरा छूट के लाभ भेटत। ऐ के अतिरिक्त ईंधन पर 0.75% के छूट और सरकारी बीमा कंपनी के बीमा प्रीमियम पर 10% छूट सेहो प्रदान कैल जाय छे। डिजिटल भुगतान के तरीका के बावजूद लेन देन के विवरण के रिकॉर्ड स्वचालित तरीका से राखल जाय छे। डिजिटल भुगतान के बात कैल जाय तो ऐ में लो रिस्क से नो रिस्क छे। मोबाइल वॉलेट में सेहो लो रिस्क होय छे, अगर फोन के अनलॉक या खोल के पासवर्ड याद नहीं रहे तो। कार्ड्स पिन के बिना काम नहीं करत, अगर एना भेल तो कार्ड कनिके देर में ब्लॉक भ जात। AEPS के हमर सबके उंगली के निशान के जरूरत होय छे, अइ द्वारे जेब में बहुत सारा पैसा राख के खतरा से बच सके छी। चलू अब हम सब डिजिटल भुगतान के महत्वपूर्ण तरीका के चर्चा करै छी, जे छै कार्ड्स, POS, USSD, ई वॉलेट और AEPS। आब एक एक क के अइ सब भुगतान तरीका सब के जानकारी लै छी। कार्ड्स तीन तरह के होइत अछि, जे कि आम तौर पर बैंक के द्वारा जारी होइत अछि, प्रीपेड कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स। प्रीपेड कार्ड्स के प्रयोग सीमित राशि के निकाल के लेल और मोबाइल रिचार्ज जेना काम में भ सकैत अछि। ई ग्राहक के बैंक खाता से प्रीलोड कैल जाय छे। डेबिट कार्ड बैंक खाता से जुड़ल होइत अछि, ई बैंक द्वारा चालू बचत और ओवरड्राफ्ट खाता धारक सबके लेल जारी कैल जाय छे। ई कार्ड बैंक अकाउंट के मौजूदा सीमा के आधार पर कैश के विड्रॉ और सामान के आमने सामने खरीदारी या फिर ऑनलाइन खरीदारी के उपयोग में आबैत अछि। ऐ के उपयोग एक व्यक्ति से दोसर के डोमेस्टिक यानी घरेलू फंड ट्रांसफर के लेल कैल जा सकै छे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित बैंकों और अन्य संस्थाओं द्वारा क्रेडिट कार्ड जारी कैल जाय छे। अधिकांश क्रेडिट कार्ड्स के पास एक नगद अग्रिम विकल्प छे, जे कार्ड धारक सबके क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल के अनुमति दैत छे। लेकिन ऐ के इस्तेमाल करत समय किछ बात के ध्यान में राखक चाही। ई अल्पकालिक ऋण यानी शॉर्ट टर्म लोन लेबा के लेल सबसे महंगा तरीका में से एक छे, क्याकि कार्ड धारक सब के उच्च ब्याज दर पर पैसा वापिस करो पड़त छे। वर्तमान में नगद अग्रिम यानी कैश एडवांसेस के लेल औसत ब्याज के दर लगभग 24% छे। निकालल गेल राशि के लगभग 3-5% फीस के रूप में भुगतान केनाय आवश्यक छे। ज्यादातर मामला में
कोनो रियायती अवधि नहि देल जाय छै और जहिना नगद निकालल जाय छै ओहि पर ब्याज शुल्क चार्ज कयल जाय छै। नगद निकासी हमेशा लगभग एकटा निर्धारित राशि पर सीमित होय छै, जकरा कैश क्रेडिट रुपए कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के हिंदुस्तानी रूप छै। ई लगभग अंतर्राष्ट्रीय कार्ड जेना कि वीजा या मास्टर कार्ड जेना होय छै। हमरा पास ई कार्ड अछि लेकिन हमरा एकर इस्तेमाल करऽ नहि आबैये। एटीएम सँ पैसा निकालऽ के लेल अहाँ के अपन डेबिट या क्रेडिट कार्ड एटीएम मशीन में डालऽ पड़त, फिर अपन चार रंग के निजी पिन दर्ज करू। अहाँ पैसा निकालऽ के अलावा अपन जमा राशि सेहो डेबिट कार्ड के माध्यम सँ जान सकैत छी। कि हम एहि कार्ड के उपयोग रिटेल शॉप पर कर सकै छियै? हाँ बिल्कुल, प्रक्रिया किछु एहि प्रकार छै। डेबिट कार्ड स्टोर के कैशियर के दियौ। व्यापारी POS मशीन के द्वारा कार्ड के चलाबैत अछि और खरीदारी के राशि लिखैत अछि और फिर ग्राहक के कार्ड के पिन दर्ज करऽ पड़तै। खरीदारी के राशि उपयोगकर्ता के खाता सँ कटि जायत छै। व्यापारी छापल गेल रसीद के कॉपी पर उपभोक्ता के हस्ताक्षर करवा कऽ अपन पास रखैत अछि और दोसर कॉपी उपभोक्ता के दऽ दैत छै। अंत में उपभोक्ता के अब एहि कार्ड के माध्यम सँ हम बहुत आसानी सँ बिजली, पानी और टेलीफोन के बिल के भुगतान कर सकै छी। हाँ जरूर, हवाई यात्रा और ट्रेन के टिकट बुक करबा के लेल, रेस्टोरेंट्स में भुगतान करो के लेल, दुकान सब पर या ऑनलाइन खरीदारी करो के लेल, एटीएम से पैसा निकाल के अलावा आरो बहुत सारा जगह पर एकर उपयोग कैल जा सकै छै। की अहाँ हमरा POS मशीन के बारे में विस्तार में जानकारी दे सकै छी? पॉइंट ऑफ सेल मशीन या POS एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अछि जे कि रिटेल लोकेशन पर कार्ड सँ भुगतान करो के लेल इस्तेमाल कयल जा सकै छै। POS के काम छै उपभोक्ता के क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जानकारी लेनाय, उपभोक्ता के बैंक खाता में पर्याप्त राशि छै या नहीं से देखनाय, उपभोक्ता के खाता सँ विक्रेता के खाता में ट्रांसफर करेनाय, लेन देन के जानकारी रखनाय और रसीद प्रिंट करनाय। मोबाइल आधारित POS बनाम MPOS एक फ्री पॉइंट ऑफ सेल और क्लाउड आधारित समाधान छै, जैमे स्मार्टफोन या टैबलेट के उपयोग बिक्री बढ़ाबा के लेल, इन्वेंटरी प्रबंधन करो के लेल और ग्राहक वफादारी के निर्माण के लेल कैल जायत छै। डीमोनिटाइजेशन ड्राइव सँ खुदरा विक्रेता सब पारंपरिक कैश रजिस्टर के बजाय MPOS के इस्तेमाल शुरू कैल गेल छै, जे पूर्ण खुदरा प्रबंधन प्रदान करैत छै। MPOS क्रमशः उपभोक्ता और व्यापारी के व्यक्तिगत और पारस्परिक लाभ प्रदान करैत छै। MPOS के माध्यम सँ दुकानदार दुकान में कतौ भी उपभोक्ता सँ पेमेंट लऽ सकैत छै। ग्राहक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या डिजिटल वॉलेट के माध्यम सँ मोबाइल POS डिवाइस पर आसानी सँ भुगतान कऽ सकैत छी। दोनों व्यापारी और ग्राहक के लॉयल्टी प्रोग्राम सँ लाभ मिलै छै, जे लगातार राशि भुगतान में एकीकृत होइ छै। जखन हम डिजिटल कार्ड के इस्तेमाल करै छियै तऽ हमरा कोनो सावधानी बरतऽ के चाही? हाँ, जखन अहाँ एहि कार्ड के उपयोग करै छी तऽ की करबाक चाही और की नहि एहि पर ध्यान जरूर दियौ। अपन डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के प्राप्त करो के समय सुनिश्चित करू स्वागत यानी वेलकम किट नीक सँ बंद छै कि नहि। कार्ड के पछा अपन हस्ताक्षर जरूर कर लिय। अपन क्रेडिट कार्ड के ध्यान सँ राखू, जेना अहाँ अपन पैसा के राखै छियै। अगर अहाँ अपन क्रेडिट कार्ड हेरा दै छियै तऽ एकर बारे में तुरंत रिपोर्ट करू। हमेशा ध्यान राखू कि कार्ड अहाँ के नजर के सामने स्वाइप कैल जाए।
एहि चीज के हमेशा ध्यान राखू की और तत्काल लेन देन अलर्ट के प्राप्त करो के लेल पंजीकृत होबक चाही। अगर अहाँ के एड्रेस या मोबाइल नंबर चेंज भेल हुए तो बैंक के एकर जानकारी तुरंत दियो। कोनो अनरिकॉग्नाइज्ड ट्रांजेक्शन के मामला में अपन कस्टमर केयर से तुरंत संपर्क करू। वीजा के द्वारा एनेबल और सुरक्षा स्टार के वेरीफाई करबा के लेल खुद के ऑनलाइन पासवर्ड के ट्रांजेक्शन के लेल रजिस्टर करू। ट्रांजेक्शन पासवर्ड के जनरेट या बनाबा के समय में की करू और की नहीं करू एके बारे में जाने छी। पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर होबक चाही और अधिकतम 16 अक्षर के होबक चाही। पासवर्ड के सफल निर्माण के लेल कोनो भी संख्यात्मक अंकों या वर्णों के एक संयोजन होबक चाही। उदाहरण के लेल एमे कम से कम 3 संख्यात्मक अंक होबक चाही या एमे कम से कम 3 अपर केस वर्ण कैपिटल लेटर होबक चाही या एमे 2 संख्यात्मक अंक या 1 अपर केस वर्णमाला यानी कैपिटल लेटर होबक चाही। पासवर्ड पुराना पासवर्ड या ऑनलाइन बैंकिंग चैनल के लॉगिन आईडी जना नहीं होबक चाही। एके अलावा ई पिछला 6 लगातार बदलल गेल पासवर्ड जका नहीं होबक चाही। पासवर्ड में विशेष वर्ण या स्पेशल कैरेक्टर्स और स्पेस नहीं होबक चाही। आई में रिपीटिंग कैरेक्टर लगातार 2 बेर से अधिक नहीं होबक चाही और सक्सेसिव कैरेक्टर्स 3 से ज्यादा नहीं होबक चाही। सुरक्षा के कारण से सामान्यतः इस्तेमाल कैल गेल शब्द जेना कंप्यूटर इंटरनेट आदि के पासवर्ड के रूप में सेट करे के अनुमति नहीं छै। रिन्यूअल से पहले या कार्ड के कैंसिल केला के बाद कार्ड के 4 भाग में काट कर बढ़िया से नष्ट कर देबक चाही। अगर अहां अपन कार्ड के उपयोग हाई रिस्क कंट्री में केने छी तो अपन कस्टमर केयर से बात कर के बदलवा लियो। यदि कार्ड हेरा जाए या चोरी भ जाए या फिर ऐके पिन के खुलासा कुनु तीसरा व्यक्ति के सामने भ जाए तो कृपया तत्काल बैंक के प्रतिनिधि सबके सूचित करक चाही। अपन क्रेडिट कार्ड ककरो नहीं देबक चाही चाहे ओ व्यक्ति कुनु बैंक के प्रतिनिधि कियाक ने बताबे। ककरो अपन कार्ड नंबर समाप्ति के तारीख CVV नंबर नहीं बताबक चाही। अपन कार्ड के इस्तेमाल गेमिंग पोर्नोग्राफी लॉटरी जुआ या असुरक्षित भुगतान वाला साइट पर नहीं करक चाही। ATM पिन के कार्ड पर नहीं लिखबाक चाही। ककरो अपन क्रेडिट कार्ड के अगला या पिछला फोटोग्राफी नहीं देबक चाही चाहे कुनु कारण होए। रिक्त आवेदन फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं करू जे कुनु एजेंट या बैंक प्रतिनिधि के द्वारा बाद में भरल जेतै। अपन इंटरनेट बैंकिंग खाता के कुनु असुरक्षित पब्लिक कंप्यूटर पर नहीं खोलबाक चाही। अपन क्रेडिट कार्ड के कुनु असुरक्षित वेबसाइट पर उपयोग नहीं करू। कुनु भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करो से पहले हमेशा शीर्ष पर एड्रेस बार के नोटिस करू जे की HTTPS के साथ शुरू होइत छै और ओतय एकटा क्लोज्ड गोल्डन पैडलॉक होइत छै। कुनु भी असुरक्षित वेबसाइट पर अपन कार्ड के उपयोग नहीं करक चाही जैमे लॉक सिंबल नहीं होए। ई चिन्ह इंगित करे छे कि साइट अहां के संवेदनशील डेटा के संचरण या ट्रांसमिशन के दौरान एक एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी के उपयोग कर रहल छे। कुनु ईमेल या SMS के जाल में नहीं फंसू जे अहां के क्रेडिट कार्ड के जानकारी मांगित हुए। कखनो ओई ईमेल के जवाब नहीं देबक चाही जे अहां के पर्सनल जानकारी और कार्ड नंबर मांगित हुए और बदला में बड़का योजना बतबैत हुए। USSD के मतलब छै अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ई हरेक उपभोक्ता के लेल नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म यानी NUUP के द्वारा प्रदान कयल गेल एकटा छोटा सा कोड *99# के साथ बैंकिंग सेवा सबके उपयोग करे के अनुमति प्रदान करै छै। एकर इस्तेमाल 5,000 रुपया तक के भुगतान करे के लेल
कैल जा सकै छे। *99# NPCI एक USD आधारित मोबाइल बैंकिंग सेवा छै, जे बैंक और दूरसंचार सेवा संप्रदाता सबके एक साथ लाबै छै। पंजीकृत मोबाइल नंबर सँ *99# डायल कऽ कऽ एक ग्राहक सबटा वित्तीय सेवा तक पहुँच सकै छै। ई सेवा सबटा GSM सेवा प्रदाताओं और हैंडसेट पर काम करै छै। एहि सेवा के पावा के लेल कोन कोन चीज के जरूरत छै? एहि के लेल अहाँ के बैंक अकाउंट, कोनो फोन जे GSM नेटवर्क पर हुए और एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होबक चाही। हमरा पास ई सब अछि, लेकिन हम ई सेवा केना शुरू करू? पहले अपन बैंक के शाखा में जाओ और अपन मोबाइल नंबर अपन बैंक अकाउंट से लिंक करू। जल्दी ही अहाँ के UPI पिन या UPIN मिलत, जकरा अहाँ के याद रखबा के अछि। ई बहुत आसान छै, हम एकरा जल्दीए शुरू करा देबै। याद रहे, NUUP सेवा सब पर शुल्क लागत। हालांकि ट्राई ने प्रति ट्रांजैक्शन के अधिकतम सीमा ₹1.50 निर्धारित केलकै है। कोनो भी एग्जैक्ट चार्ज के पुष्टि के संबंधित दूर संचार सेवा ऑपरेटर से संपर्क कर सकै छी। की अहाँ USSD के लाभ बता सकै छी? हाँ बिल्कुल, USSD साधारण और इस्तेमाल करो में आसान छै। ई SMS से ज्यादा सुरक्षित छै। ई हर GSM हैंडसेट पर काम करै छै। एकरा GPRS कनेक्शन के जरूरत नहीं होय छै। बहुत नीक, लेकिन एहि सुविधा से हम पाई केना ट्रांसफर कर सकै छी? ई एकटा बहुत साधारण प्रक्रिया छै। अपन मोबाइल नंबर के अपन बैंक खाता से जोड़ू। अपन पंजीकृत मोबाइल नंबर से *99# डायल करू। ओके के विकल्प के साथ एकटा वेलकम विंडो खुले छै। ओके पर क्लिक करू। अहाँ के विभिन्न भाषा के विंडो भेटत। ओहि पर क्लिक कऽ कऽ अपन भाषा चुनू। बैंक विवरण के विकल्प बला एकटा विंडो खुल जायत। आवश्यक विवरण दर्ज करू। एहि के अलावा अहाँ के देल गेल विकल्प के निकट स्थित संबंधित नंबर सबके दबा कऽ अपन बैंकिंग विकल्प के चयन करऽ पड़त। फेर अपन रेफरल कोड दर्ज करू या अहाँ एक दबा कऽ एहि विंडो के छोड़ सकै छियै और सेंड विकल्प पर क्लिक कऽ सकै छी। अब अहाँ अपन अनुसार पैसा भेजो के विकल्प चुनू। ओहि के बाद लाभार्थी के IFSC कोड दर्ज करू और फिर अगला विंडो में लाभार्थी के खाता संख्या दर्ज करू। फिर ओहि राशि के दर्ज करू जकरा अहाँ ट्रांसफर करो चाहे छी। अंत में ट्रांजैक्शन पूरा करो के लेल अपन UPI पिन दर्ज करू। AEPS के अर्थ छै आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ई सेवा एकटा बैंक ग्राहक के आधार के इस्तेमाल अहाँ अपन पहचान के रूप में संबंधित आधार से खुलल बैंक खाता और मूल बैंकिंग लेन देन करो के अधिकार दै छै। ई बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट BC या VLE के मदद से POS यानी कि माइक्रो ATM पर बैंक से बैंक लेन देन के अनुमति दैत छै। उपयोगकर्ता अपन खाता के बैंक में अपन आधार नंबर के द्वारा या फिर BC या VLE के मदद से शुरू कऽ सकै छी। उपयोगकर्ता कोनो AEPS केंद्र पर बिना कोनो पिन या पासवर्ड के बहुत सारा लेन देन कऽ सकै छै। ई बहुत नीक लागि रहल अछि। हमरा ई सेवा शुरू करबा के लेल कोन चीज के जरूरत हैत? अहाँ के सिर्फ 3 चीज के जरूरत अछि। अहाँ कोन बैंक से जुड़ल छी एहि के पहचान करो के लेल IIN, आधार नंबर, रजिस्ट्रेशन के दौरान उंगली के निशान लेल जायत। कृपया हमरा विभिन्न सेवा के बारे में बताबू जे
AEPS के द्वारा प्रदान कैल जाय छे। AEPS निम्न प्रकार के बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लेल इस्तेमाल करल जाय छे। बकाया राशि के जानकारी, राशि निकाला लेल, राशि जमा कराबा लेल, आधार से आधार फंड ट्रांसफर कराबा में, उचित कीमत के दुकान में खरीदारी करो में। UPI के मतलब होय छे यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस। ई प्रणाली उपभोक्ता के स्मार्टफोन के माध्यम से त्वरित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लेल छे। इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी IMPS के एकटा एडवांस वर्जन छे। UPI 24 घंटा फंड ट्रांसफर के सुविधा दैत छे। ई फोन के इस्तेमाल कके उपभोक्ता के पहचान के प्रमाणित करैत छे। ई सब 365 दिन 24 घंटा काम करैत छे। हम ई सेवा के उपयोग कोना कऽ सकै छी? एहि सेवा के लाभ उठाबे के लेल अहाँ के बस दूटा चीज के जरूरत अछि। एकटा मोबाइल जेमे UPI एप्लीकेशन यानी ऐप होबक चाही और एकटा बैंक खाता। कृपया हमरा बताबू ई कोन तरह काज करे छे? बेशक ई एकटा साधारण 3 स्टेप्स के प्रक्रिया छे। पहला स्टेप में अपन बैंक के UPI ऐप डाउनलोड करू। ओय के बाद अपन नाम या फोन नंबर डायल कर एकटा वर्चुअल ID बनाओ और अपन खाता के विवरण डायल कर रजिस्टर करू। याद रखू ई प्रक्रिया बस एक यानी पहले बेर ही करे पड़े छे। अब दोसर स्टेप में खरीदल जायल वस्तु के अपना कार्ड में जोड़ू, फिर पेमेंट विकल्प पर जाओ और पेमेंट थ्रू UPI के चयन करू। व्यापारी के अपन वर्चुअल ID प्रदान करू। तेसर स्टेप में ऑनलाइन खरीदारी के लेल अहां के मंजूरी मांगत एकटा विंडो अहां के मोबाइल के UPI ऐप में आयत। सुरक्षा पिन दर्ज करबा के बाद सफल भुगतान के पुष्टि अहां के फोन पर भेजल जायत। लेकिन की हमरा ई सेवा के उपयोग करे लेल अपन बैंक डिटेल्स के शेयर करे के जरूरत छे? नहीं, उपयोगकर्ता के नाम, बैंक खाता नंबर, IFSC या बैंक शाखा के साझा कराबा के आवश्यकता के समाप्त कर देने छे। ई डेबिट कार्ड जेना भौतिक उपकरण के उपयोग के सेहो समाप्त कर देने छे। नेट बैंकिंग जेना मल्टी स्टेप प्रक्रिया सब के उपयोग करबा के कोनो जरूरत नहीं छे। ई बहुत आसान एप्लीकेशन छे और ऐ के कियो भी इस्तेमाल कर सकै छे। ई तुरंत और सुरक्षित प्रमाणिकता प्रदान करै छे और कत्तो शुरू कैल जा सकै छे। ई एकटा पूरा तरह से कैशलेस डिजिटल समाज के लेल मार्ग खोलै छे। चालान के जना पाई के अनुरोध भेजा के लेल एकर इस्तेमाल कैल जा सकै छे। उपभोक्ता बिल और स्कूल के फीस ऑनलाइन भुगतान करबा के लेल UPI के उपयोग कर सकै छी। ई सेवा के उपयोग करे लेल हमरा कोन मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करे पर? अहां भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI द्वारा विकसित भीम ऐप के डाउनलोड कर सकै छी। मोबाइल फोन के माध्यम से तेज, सुरक्षित और रिलायबल नगदहीन भुगतान के एनेबल करबा के लेल एक पहल में भीम शुरू कैल गेल छले। भीम UPI आवेदन और बैंक खाता के साथ अंतः प्रचलित यानी इंटरऑपरेबल छे। की अहां हमरा भीम ऐप के बारे में विस्तार से बता सके छी? हां बिल्कुल। भीम ऐप के विशेषता में शामिल छे। एक, बैलेंस और ट्रांजैक्शन के विवरण के जांच। दो, QR कोड्स के इस्तेमाल करैत पैसा भेजनाय और प्राप्त केनाय। तीन, 10,000 रुपए से 20,000 रुपए तक के भुगतान के ट्रांजैक्शन करो के 24 घंटे अनुमति देनाय। चार, पेमेंट एड्रेस के माध्यम से पैसा भेजनाय और पैसा के अनुरोध केनाय। मोबाइल नंबर पर पैसा भेजनाय या ओय के लेल अनुरोध केनाय। पांच, मोबाइल नंबर
MMID के माध्यम सँ पैसा भेजनाय, IFSC कोड खाता संख्या के माध्यम सँ धन भेजनाय, 6. भुगतान और स्कैन विकल्प के उपयोग क के मर्चेंट पेमेंट्स केनाय, 7. आधार संख्या पर पैसा भेजनाय, 8. कोनो भी बैंक खाता में फंड ट्रांसफर केनाय, 9. पैसा प्राप्त करय वाला के एडवांस रजिस्ट्रेशन और लाभार्थी के बैंक खाता संख्या के आवश्यकता नहीं छे, 10. पैसा के ट्रांसफर तुरंत और कखनो भी, भीम ऐप के किछ सीमा छे, एक समय में केवल एकटा बैंक अकाउंट जोड़ल जा सकै छे, केवल दुट्टा वर्चुअल पेमेंट एड्रेस या आभासी भुगतान पता के अनुमति छे, डिफॉल्ट रूप से पहले VPA अहां के मोबाइल नंबर से जुड़ल अछि। हम एहि ऐप के उपयोग केना कऽ सकै छिए? भीम ऐप के शुरू करय के लेल अहां के कुछ आसान स्टेप्स के पालन करय पड़त। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाओ और भीम ऐप के सर्च करू। ऐप सूची से भीम ऐप के चयन करू और एकरा इंस्टॉल करू। इंस्टॉलेशन के बाद भीम शुरू करय के लेल ओपन पर क्लिक करू। फिर अपन भाषा चुनू और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करू। दुबारा यानी अग्रिम सबसिक्वेंट विंडो के नेक्स्ट टैब पर क्लिक करू। लेट्स गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करू। नेक्स्ट बटन क्लिक करके अपन मोबाइल नंबर वेरीफाई करू। फिर अपन पासकोड सेट करू और एकर पुष्टि करू। आइ के बाद सूची से अपन बैंक के चयन करू और आगा बढ़ के लेल नेक्स्ट क्लिक करू। हम भीम ऐप के उपयोग पाई भेजे लेल कोना कह सके छिए? अपन VPA या बैंक विवरण के उपयोग क के पैसा भेजे के लेल सेंड विकल्प पर क्लिक करू। लाभार्थी के VPA दर्ज करू। ओइ के बाद अकाउंट प्लस IFSC विकल्प पर क्लिक करू और फिर लाभार्थी के खाता के विवरण दर्ज करू। कि हम भीम के उपयोग क के सेहो पाई लऽ सकै छिए? हाँ बिल्कुल। पैसा कलेक्ट करो के लेल रिक्वेस्ट बटन पर क्लिक करू। फिर सँ ओहि व्यक्ति के मोबाइल नंबर या VPA दर्ज करू जैसे अहाँ पैसा चाहे छी। राशि दर्ज करू और रिक्वेस्ट ऐप पर क्लिक करू। ओहि के बाद पेयर या भुगतानकर्ता के स्मार्टफोन पर पेमेंट के एक्सेप्ट या रिजेक्ट करो के लेल एकटा नोटिफिकेशन भेट जायत। भुगतानकर्ता भुगतान करो के लेल QR कोड के उपयोग सेहो कऽ सकै छै। अपन पिन सेट करो के लेल किछ सरल चरण के पालन करू। सबसे पहले बैंक अकाउंट विकल्प पर क्लिक करू। ओइ के बाद सेट UPI पिन विकल्प पर क्लिक करू। अंत में अपन बैंक खाता के विवरण दर्ज करू और सबमिट करू। ई वॉलेट के मतलब छै इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। ई एक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कार्ड छै जे कंप्यूटर या स्मार्टफोन के माध्यम सँ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लेल उपयोग कयल जाइत छै। ई वॉलेट अहाँ के निजी खाता सँ जुड़ल होबक चाही ताकि अहाँ भुगतान कऽ सकी। एकर इस्तेमाल क्रेडिट या डेबिट कार्ड जेना ही छै। ई वॉलेट के बढ़ावा देबक के पीछा ई मकसद छै कि कागज रहित धनराशि के लेन देन आसान भ जाय। आओ ई वॉलेट के विशेषता के बारे में जानी। ई वॉलेट एक तरह के प्रीपेड खाता छै जै के जरिया उपभोक्ता भविष्य के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लेल धन जमा राखैत छै। ई खाता पासवर्ड सुरक्षित होइत छै। उपभोक्ता किराना के समान ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इत्यादि में भुगतान के लेल एकर इस्तेमाल कयल जा सकै छै। ई वॉलेट में दुट्टा मुख्य घटक छै सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन। सॉफ्टवेयर निजी जानकारी के संग्रहित कऽ कऽ राखै छै और संग्रहित जानकारी के सुरक्षित रखै छै। और दोसर तरफ इन्फॉर्मेशन घटक उपभोक्ता के जानकारी के डेटाबेस छै। एहिमे हुनकर नाम,
पता, पेमेंट मेथड, भुगतान के राशि, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के डिटेल आदि शामिल छै। ई त दिलचस्प छै, लेकिन हम ई वॉलेट के उपयोग कोना कऽ सकै छी? ई बहुत आसान छै, अहाँ के बस अपन फोन मे ई ऐप डाउनलोड करऽ पड़त, फिर सब जरूरी जानकारी दऽ कऽ साइन अप करऽ पड़त। ओय के बाद अहाँ के एकटा पासवर्ड भेटत, ओय के बाद अहाँ डेबिट या क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के इस्तेमाल कऽ कऽ पैसा अपन ई वॉलेट में डालू। ऑनलाइन खरीदारी के बाद ई वॉलेट अपने आप भुगतान फॉर्म पर उपभोक्ता के जानकारी दर्ज कऽ दै छै। डिजिटल भुगतान होबा पर ई जानकारी डेटाबेस में अपने आप दर्ज भ कऽ अपडेट भ जाय छै। हमर पिताजी एकटा व्यापारी छथिन, भुगतान प्राप्त करऽ के लेल हम ई वॉलेट के प्रयोग केना करबै? व्यापारी सब के लेल सेहो पहिले 3 स्टेप ओहिना छै जहिना नॉर्मल उपभोक्ता सब के लेल छै। ओय के बाद अपने आप के व्यापारी बता कऽ भुगतान प्राप्त करू। वाह, ई तो बहुत आसान छै। की अहाँ हमरा बतायब कि ई वॉलेट इस्तेमाल करे लेल हमरा कोन चीज के जरूरत पड़तै? हाँ बिल्कुल, अहाँ के ई 4 चीज के जरूरत हैत। एक बैंक खाता, एक स्मार्टफोन, 2G या 3G या 4G कनेक्शन और एकटा मुफ्त ई वॉलेट ऐप। SBI बडी एक ई वॉलेट छै जै के किछ आसान चरण के पालन कऽ कऽ डाउनलोड कयल जा सकै छै। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाओ और स्टेट बैंक बडी ऐप के सर्च करू, फिर ऐप डाउनलोड करऽ के लेल इंस्टॉल टैब पर क्लिक करू। इंस्टॉलेशन के बाद ऐप खोलू और अपन भाषा के चयन करू, फिर साइन अप करऽ के लेल अपन विवरण दर्ज करू। ओय के बाद अपन पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP के दर्ज करू, फिर एकटा 4 डिजिट के पिन सेट करू और ऐ के पुष्टि करू। अंत में ऐप के नियम और शर्त के स्वीकार करऽ के लेल एक्सेप्ट बटन के चालू करू और ऐ के सबमिट करू। अपन पिन दर्ज कऽ कऽ लॉगिन करू। अपन वॉलेट में पैसा जोड़ के लेल एड मनी विकल्प पर क्लिक करू, ओय राशि के दर्ज करू जकरा अहाँ अपन वॉलेट में जोड़ चाहत छी। भुगतान के मोड चुनू और कंटिन्यू पर क्लिक करू। ऐ के बाद अहाँ अपन डेबिट कार्ड के विवरण दर्ज करू और भुगतान कऽ सकै छी। जनरेट OTP विकल्प पर क्लिक करू, पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करू और सबमिट करू। अही तरह सँ पाई भेजऽ के लेल सेंड मनी विकल्प पर क्लिक करू, फिर लाभार्थी के कॉन्टैक्ट नंबर दर्ज करू और कंटिन्यू पर क्लिक करू। ओ राशि दर्ज करू जकरा अहाँ भेजऽ चाहे छी और फिर कंटिन्यू करू। अंत में पिन दर्ज करू और पैसा भेजऽ के लेल कन्फर्म पर क्लिक करू। ई वॉलेट के उपयोग करऽ काल में किछ बात पर विचार केनाई जरूरी छै, जेना मोबाइल सुरक्षा के लेल पासवर्ड और पैटर्न लॉक के उपयोग करू, ककरो साथ अपन ई वॉलेट प्रमाण पत्र या क्रेडेंशियल के साझा नहीं करू, अपन ई वॉलेट में ज्यादा अमाउंट लोड नहीं करू, कतेक ई मर्चेंटाइज स्टोर, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल सर्विसेज जेना कार्ड्स, मनी ट्रांसफर एप्स, ई बैंकिंग सुविधा आदि के इस्तेमाल करत समय अहाँ के व्यक्तिगत जानकारी या डेटा के सुरक्षा के लेल साइबर सिक्योरिटी के प्रावधान छै। साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर, नेटवर्क, प्रोग्राम और डेटा के अनाधिकृत उपयोग या अटैक से संबंधित सुरक्षा के तकनीक छै, जकर उद्देश्य शोषण केनाई छै। ICT के उपयोग में साइबर सिक्योरिटी आत्मविश्वास और सुरक्षा के निर्माण करैत छै, ताकि सूचना समाज द्वारा विश्वास सुनिश्चित कयल जा सके। एकर उद्देश्य खतरा और कमजोरी सबके कम केनाय या ओकर रोकथाम केनाय छै और घटना के प्रतिक्रिया, रिकवरी, डेटा एश्योरेंस, लॉ एनफोर्समेंट,
सैन्य और खुफिया ऑपरेशन के सुरक्षा के लेल नीति समय जगह रखनाय छै। साइबर सिक्योरिटी दुनिया भर में लगभग सब नागरिक सब के व्यवहारिक रूप से टच करे छै। ई मानव विकास के साथ साथ सूचना समाज यानी इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में बेहतर एकीकरण प्राप्त करे में व्यापक अवसर प्रदान करे छै। ई ज्ञान तक व्यापक पहुँच के साथे नीति और रणनीति विकास के लेल सेहो समर्थन करे छै। साइबर सिक्योरिटी के किछ डूज एंड डोंट्स जे हमरा कोनो भी एक्शन करो के समय सावधानी के लेल याद रखक चाही। ई सुनिश्चित करू कि जखन अहाँ कोनो भी वायरलेस कनेक्शन से कनेक्ट होई तो अहाँ उचित नेटवर्क से कनेक्ट भ रहल छी, नहीं तो SSID के रूप में जानल जायत छै। एना नहीं मानू कियाकि नाम एना लाग सकै छै कि ओ कोनो ट्रस्टेड सोर्स से आबि रहल छै। एहन पासवर्ड के उपयोग करू जय में अपर केस लोअर केस लेटर्स और विशेष वर्ण होबक चाही। परिचित नाम या संख्या के उपयोग नहीं करू, जेना अहां के परिवार के सदस्य, जन्मदिन आदि। डुएल या मल्टीफैक्टर प्रमाणीकरण ऑथेंटिकेशन के लाभ जरूर उठाऊ। उदाहरण के लेल कतेक वेबसाइट अब सिर्फ एकटा यूजर नेम और पासवर्ड से अलग एहन ऑफर दैत छै, जेना स्मार्ट कार्ड, पिन या जहाँ तक कि उपयोगकर्ता चयनित सिक्योरिटी इमेजेस जे कि लॉगिन पर पहचानत छिये। जखन और विकल्प उपलब्ध हुए तो केवल यूजर नेम और पासवर्ड के प्रयोग नहीं करू। पासवर्ड के एकटा सूची सुरक्षित राखू और ओकरा कम से कम क्वार्टरली बेसिस पर यानी हर 3 महीना पर बदलू। एकटा पासवर्ड के लंबा समय तक नहीं राखू। अपन कॉर्पोरेट पासवर्ड अपन व्यक्तिगत पासवर्ड से अलग राखू। अपन व्यक्तिगत पासवर्ड के लेल अपन कंपनी के पासवर्ड इस्तेमाल नहीं करू या एकर उल्टा। सुनिश्चित करू कि अहां के कंप्यूटर लेटेस्ट पैचेस वायरस सिग्नेचर्स से भरल रहे। एना नहीं मान लियो कि वायरस के पता लगावा वाला सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर हमेशा काम करत छै। नॉन कॉन्फिडेंशियल डेटा अपलोड करो के लेल और शेयर करो के लेल क्लाउड डेटा सिस्टम के उपयोग करू। अपन अनुपस्थिति में अपन व्यक्तिगत कंप्यूटर के उपयोग दोस्त सब पर, परिवार के सदस्य और सहयोगी द्वारा उपयोग करो पर भरोसा नहीं करू। अपन डेटा के बैकअप रिमूवेबल मीडिया में कक कोनो सुरक्षित स्थान पर राखू। एना नहीं सोचू कि अहां के डेटा के मेंटेन और सुरक्षित राख के जिम्मेदारी ककरो और के छै। अपन ईमेल्स सावधानी पूर्वक देखू और सुनिश्चित करू कि सोर्स हेडर कोनो वैलिड एड्रेस से हुआ। अपन कंप्यूटर में मेलवेयर लोड करे वाला मैलिशियस यानी गलत वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करो के शिकार से बचू। 10. एक प्रतिष्ठित साइबर सिक्योरिटी फर्म के साथ संबंध स्थापित करू। अपन कंपनी के इंटरनेट पर सुरक्षित राख के लेल नीति और प्रक्रिया पर पहले से चर्चा कर लिया।